पैसे वेस्ट। कितने तरीकों के पॉपकॉर्न है, फिर लड़ाई भी होनी है। अभी नीचे झुक झुक के साइजेस निकल रहे हैं और मेरे को बैग पकड़ा दिया गया है। पे गाइस बॉक्सिंग डे पे बड़ी अच्छी सेल लगती है। स्वागत है आपका मिड टाउन मॉल में। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग सब? हम लोग आज लॉन्ग वीकेंड का पहला दिन एंजॉय करते हुए दोपहर के 2 बज गए हैं। अब जाने की तैयारी है, जैसे आप देख रहे हो तैयार त्यूर है। And Arya is also getting ready. And just देखो क्या कर रहे हैं। Arya, डैडा कहाँ हैं? बाहर ही होंगे, सुबह से बाहर हैं। ये देखो। अरे इतना अच्छा लग रहा है बाहर। क्या हाल है जस जी? गर्मी के लास्ट कुछ दिन लग नहीं रहा, ये सितंबर लॉन्ग वीकेंड है। वेलकम टू अनदर वीडियो जी। तो ये है जी हमारा, आज मैंने कहा कि बाहर थोड़ा बैठे, इवन सितंबर एंड ठंड भी नहीं लग रही, और कल भी बड़ा अच्छा है, कल 27 है दादी कह रही थी। देखो कितनी अच्छा सनशाइन हुई हुई है, सब कुछ इतना बढ़िया है, सब कुछ सूख गया है जो कितने दिनों से वेट था। यू गाइस, देयर इज लाइक अ लिटिल सरप्राइज फॉर यू। हिंदी बोलो, हिंदी में बात करो हमसे, हमें इंग्लिश नहीं आती समझ में। आपके लिए एक सरप्राइज है, ऐसे बोलो। आपके लिए एक सरप्राइज है एक, और वो आप देखोगे कहीं जा रहे हैं हम, एक है और एक सरप्राइज है जो मैं अभी शूज के बारे में डालूंगा। अच्छा, चलो फिर चले। चलो ठीक है, चलो बंद करके आता हूँ, तुम चलो। जस जी अपना अम्ब्रेला को वापस बंद करते हुए, क्योंकि हवा आ गई ना फिर उड़ जाता है अम्ब्रेला, फिर दिक्कत होती है। सब्जी सब रेडी है, जाने से पहले ये देख लो गाइस, राजमा इज रेडी, चावल वहाँ बन रहे हैं, अपना काम फर्स्ट क्लास तैयार है। आएंगे फर्स्ट क्लास, रोटी तैयार होएगी, बैठ के खाएंगे। तो चलो जी, लेट्स गो। तो जी तैयार हो गए हैं, आपको पता ही है, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैंने कर दिया था वेलकम, आई डोंट इवन रिमेम्बर। चले सो हम जा रहे हैं गाइस यहाँ पे। एक्चुअली हुआ क्या है, मेरे साथ ट्रिक हुई है, मेरे साथ होती है, हमेशा ट्रिक हो जाती है। एक्चुअली मैंने सोचा था हमने कहीं नहीं जाना, वी वर होम, बट हमें पता चला है कि अचानक ही Arya के पास कपड़े ही नहीं है। जस Arya के पास कपड़े क्या हो रहा है अब, रहने दे इत्र। अच्छा, इत्र लग रहा है, इत्र मेरे को। तो बात यह कि एकदम से कुछ हुआ है कि जस Arya के पास कपड़े नहीं है। मैंने कहा अभी तक तो थे, कहती कि ऐसा हुआ है कि उसको मैंने अब स्कूल के कपड़े जो निकले हैं वो थोड़े थोड़े टाइट हैं, तो अब जा रहे हैं मॉल Arya के लिए कपड़े लेने के लिए। Arya के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं ना, बस That's it. No promises. चलो बंद है दरवाजा मैंने बंद कर दिया, और बस माइक्रो चल रहा है ना, गैस बंद है मेरी यहाँ, लाइट जल रही है देख ले। हाँ। ये देखो लाइट जलती छोड़ दी, मतलब मैं अगर चेक ना करूँ तो घर का क्या हो, आप ये सोच। अच्छा? लो तू चेक करे तो पता नहीं क्या हो, अभी तक नहीं देख पाया मैं मनी हाइस्ट। हाय। ये क्या, ये देखो भाई आपने शूज पहन के बैठ गई है, ये कौन से शूज है? एक मेरे ये वाले हाई हील है, और मेरे एक ये वाले, और एक मेरे ये वाले हाई हील है। हील्स पहननी है इसने, नॉट दीस हील्स बट दीस हील्स। ओके हाँ जी, क्या क्या पहन लिए, कौन से शूज पहनने, चेंज तो। अरे अच्छे शूज हैं, इसमें क्या दिक्कत है, मार ले इतना गंदा लग रहा है। ठीक है कोई गल नहीं। तो चाबी कौन सी लूं, गाड़ी कौन सी लेके जानी है? सीआरवी। यार बच्ची तो बैठ गई, तो उसकी ऑलरेडी उसमें, ये तो ऑलरेडी बैठ गई है। ओह ये देखो अब क्या करें, बच्चा बैठ गया, नेहा इसी में चलते हैं, कोई नहीं, ये हमारा प्लान होता है। हम ना पहले मैं नेहा को बोलती है, नेहा कि सीआरवी पे चलेंगे, क्योंकि ये बेचारी बहुत दूर दूर जाती है गाड़ी, ऑलरेडी सीआरवी खड़ी रहती है। एंड मेरे गॉगल्स हैं, मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है, जलेंगे गॉगल्स एंड वॉच दोनों है इस पर्स के अंदर, छोटे वाले दो। देखा आया कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, आई हैव ग्लासेस, मेरी सनग्लासेस एंड हियर, मां पे नहीं गई मां, ग्लास एंड माय वॉच, देखो कितनी ऑर्गेनाइज्ड, माय वॉच जस्ट लाइक मॉम, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। नेहा कहती जस्ट लाइक मॉम, मैं बोल रहा था जस्ट लाइक डैड। अच्छा डैड जिस दिन ऑर्गेनाइज हो गए ना, उस दिन तो ऑर्गेनाइज वर्ड ही भूल जाएगा कोई। आई गॉट माय न्यू ज़ेब्रा प्रिंट वॉच। ओके पालो बेटा पालो, ऐसे गिर गिरा ना जाए बेटा, फिर नवी लानी पड़ेगी। नवी लेने से नहीं हम डरते, पैसे से हम डरते हैं टाइम से, जो हमारा बर्बाद होएगा एक घंटा चूज करने में कि कौन सी लें। नहीं और जो रोना पिटना मत जाए, और जो वहां पे होएगा मम्मा बोलेगी ये अच्छी है, मैं बोलूंगा ये अच्छी है, या बोलेगी मेरे को वही चाहिए, तो फिर ऐसे जो मेंटल है ना, वो ये मेंटल ट्रॉमा है, इसे बेटा पालो, है घूमे ना, डाल ली मैंने, ठीक है डाल ली। थैंक यू थैंक यू।
हाईवे चढ़ रहे हैं, देखो कैसी गाड़ियाँ आई जा रही हैं। ये लोग मार्टिन्सविल क्यों आ रहे हैं इतने लोग? कुछ हो रहा है जो हमें नहीं पता? मार्टिन्सविल में तो आज कुछ नहीं हो रहा मेरे को जहाँ तक लग रहा है। इतना ट्रैफिक तो मैं देखा नहीं, सुबह नहीं होता ऑफिस जाते हुए। ये देखो हम ना सड़क पार करके हमने उधर जाना है हाईवे पे, तो यहाँ नहीं है आने वाले इतने सिटी, लेकिन जाने वाले देखो सैस्कैटून से लोग, बड़े सारे लोग मार्टिन्सविल आ रहे हैं। डाउन लगानी है आइयों को, भाई नीचे जाना पसंद है इसलिए हम नीचे जा रहे हैं। ये मिट्टाओ की अंडरग्राउंड पार्किंग है गाइज। वी हैव शोन यू गाइज दिस मॉल कपल टाइम्स, बट हम यहाँ पे इसलिए आते हैं बिकॉज ये पास पर जाता है एंड यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं ऑलमोस्ट। इट्स द बिगेस्ट मॉल ऑफ सैस्कैटून। हाँ, इट्स द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट, क्योंकि मतलब बाकी मॉलों में से सबसे बड़ा यही है। नो बाइक्स अलाउड। हाँ, ये देखो आइया कह रही है नो बाइक्स अलाउड, और हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड पार्किंग। जब नहीं मिलती सर्दी के टाइम, आपने देखा ऊपर भी थी, ऊपर भी है और नीचे भी है। ऊपर लोग यूजुअली समर में लगा के ना अक्रॉस चले जाते हैं, सीधा डायरेक्ट एंट्री होती है बेस, एंड वैसे सर्दियों में लोग प्रेफर करते हैं नीचे। यहाँ पे सामने टेस्ला की, अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है या टेस्ला है या कुछ है, तो वहाँ पे उसके मीटर भी हैं चार्ज करने के लिए, इलेक्ट्रिक स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन। There's a Tesla one. There's one Tesla चार्ज लगी भी हुई है। I really don't understand this concept of charging. ठीक है, नो ऑफेंसेस टू एनीबडी हु हैज इट, दिस इज आवर पर्सनल ओपिनियन, कि अगर आप सबको कहीं जा रहे हो कुछ मतलब लंबी ड्राइव के लिए, तो फिर पहले रुक जाओ बीच में, चार्ज करो 2 घंटे खड़े होके एंड फिर आगे जाओ, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है इट्स अ हैसल। बाकी इट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल, लोग चला रहे हैं हाइब्रिड गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हमारी प्रोविंस में ना ठंड बहुत पड़ती है। हाँ, तो हमारे तो अगर हम स्ट्रॉम में फंस गए और टेस्ला तुम्हारे पास है, तुम्हारी तो गैस बढ़ जानी है उसी, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज तुम्हारा मुक जाना है एंड यू विल फ्रीज टू डेथ। तो हमारे यहाँ पे बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो तुम्हारे एक्स्ट्रा गाड़ी लेके रखनी हो ना। हाँ, कि तुमने चलानी नहीं है समर, सिर्फ समर आपकी सीजनल गाड़ी है। हाँ, तो सर्दी में मतलब टेस्ला इज नॉट मतलब वन गो टू कार। नहीं है, आई एम गोना रिमेंबर आवर जोन नाउ। आइया देख रही है कहाँ लगाया है हमने, हर पिलर के पास ना लिखा हुआ है कौन सा जोन है, तो आइया इज रिमेम्बरिंग की कहाँ लगाया है, सो वी डोंट गेट लॉस्ट। बड़ी सियानी है, देखो ये ना नंबर याद रख लेती है हमने कहाँ गाड़ी लगाई है, बहुत सियाना। चलो लेट्स गो गाइस, देख लो टेस्ला लगी हुई है चार्ज। सैनिटाइजिंग वेरी इम्पोर्टेंट। ये पकड़ी क्यों? वो पार्किंग टिकट में गाड़ी में भूल गया, तो वापसी में पे कर देंगे वहीं पे। हाँ, मुश्किल होता है। आर्या ना अपने शूज पहन के बहुत खुश है, ये वाले देखो, आई बॉट आर्या न्यू शूज। नेहा और आर्या चले गए, मैं ना वापस गाड़ी पे गया था, आई फॉरगॉट द पार्किंग टिकट इन द कार। पार्किंग टिकट पास होना तो यहीं पे कर देंगे तो आसान हो जाएगा। एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग। बहुत ज़्यादा रश है जी मॉल में, वो देखो तो देखो हालत। चलो फाइनली आइया को एस्केलेटर मिल गया, आइया इज हैप्पी नाउ। अब हैप्पी है कि नहीं, आर यू हैप्पी नाउ और नो? स्वागत है आपका मिड टाउन मॉल में, सैस्कैटून का बिगेस्ट मॉल, मतलब बाकी सिटीज के तो मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ ब्रांड सारे मिलते हैं यहाँ, सो ब्रांड सारे हैं। भाई तुम आते नहीं शॉपिंग करने, घाटे में स्टोर चला गया। ये बेंटली के साथ कौन सा स्टोर था बताओ जल्दी बताओ। थिंक किचन। बेंटली के साथ में इतना टाइम बर्बाद करा हमने थिंक किचन में, इतना 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 टाइम तूने मेरे को वेटिंग कराई है थिंक किचन में, मैं भूलूंगा कैसे? बंद ही हो गया स्टोर। अच्छा ही हुआ है मैं तो कहूँ, बट नहीं नहीं अच्छा नहीं हुआ, किसी का बिजनेस बंद होना इज नॉट अ गुड थिंग। ये भी अच्छा स्टोर है गाइस, जहाँ कपड़े लेने के लिए मैंने बड़ी टी शर्टें यहाँ से ली हैं। यहाँ पे गाइस बॉक्सिंग डे पे बड़ी अच्छी सेल लगती है, ब्लैक फ्राइडे एंड बॉक्सिंग डे जरूर चेकआउट करना है। अमेरिकन ईगल पे ये देख लो, ये बढ़ रही हैं आप चिल्ड्रंस प्लेस। अब देखो कितना टाइम लगाओगे, बहुत टाइम लगने वाला है ना, जल्दी जल्दी वी विल बी आउट इन लाइक 30 मिनट्स। देखते हैं जी, तो चैलेंज है देख लो, 2:30 बजे हैं, कितने बजे वेले होते हैं ये देखते हैं। लड़ाई हो जाएगी, अभी लड़ाई भी होगी बीच में, नहीं होगी। ओके, बच्चों के कपड़े सेल पे हैं जी, 50% ऑफ। समर के कपड़े सेल पे हैं क्योंकि बच्चे स्कूल खुल गए हैं ना। हाँ, तो 50% ऑफ पे चल रहे हैं। वेरी गुड, तो ये सारी शॉर्ट्स लीजिए 599 है, ये जो देख रही हैं बहुत एक्साइटेड है, और लॉन्ग स्लीव्स है 799 जो कि अदर साइड पे है। ये टॉप्स हैं 50% ऑफ। ये शॉपिंग जोरों शोरों से चल रही है, देख लो नीचे झुक झुक के साइजेस निकल रहे हैं, और मेरे को बैग पकड़ा दिया गया। ये देखो आया सामान बैग में रख के भाग रही है। क्या क्या लिया, कितने हो गए? तीन लॉन्ग स्लीव हो गई है, दो शॉर्ट स्लीव हो गई है। ओके, तो अब देखते हैं। अब बस दैट्स इट आइया।
50% ऑफ पे। अब सारे बॉटम्स देख रहे हो, ये देखो चल रही है, पीछे की तरफ आए हैं। यहाँ पे बच्चों का बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं गाइस, अगर आपके बच्चे हैं तो। सेल पे आया आजकल सारा कुछ। तो हम लोग ऑब्वियसली गर्ल साइड पे हैं, उस राइट साइड वो बॉयज की साइड है उधर अली। तो यहाँ पे ना गाइस स्कूल्स में पिक्चर डे वगैरह भी होता है, जिसमें पिक्चर्स क्लिक होती हैं बच्चों की, तो उसके लिए भी ड्रेस ली जा रही है। 50-15 हुआ ना? हाँ जी एब्सोल्युटली, हमारा यही काम है, हमारा यही काम है कैलकुलेट करके बताना कि डिस्काउंट अगर 30% है तो इसका प्राइस क्या बनेगा। अब ये देख लो ड्रेसेस ही चूज़ हो रही हैं अभी, और ये पीछे शूज़ भी हैं जी, सब कुछ है बच्चों का ना, हम मोस्टली यहीं से लेते हैं बच्चों का सारा सामान। ये दोनों लगी हुई हैं, बड़ी एक्साइटेड, बहुत रीजनेबल हैं, अच्छी भी हैं, हर साइज़ मिल जाता है। मैं पहले ऑनलाइन सोच रही थी करने का, लेकिन ऑनलाइन ना फिर समझ नहीं आता इसका साइज़, तो फिर वापस रिटर्न करते रहो। ड्रेसेस वगैरह हो गई हैं, ड्रेस ले ली है, तो ड्रेसेस एंड शर्ट्स वो रह गया ना, सॉक्स तो इधर ही थी, सॉक्स देख रहे हैं हम, और विंटर का सामान भी लग गया जी, जो अगर आपके बच्चे छोटे हैं विंटर के लिए, यहाँ पे चिल्ड्रंस प्लेस पे आपके सारे बॉटम्स एंड अच्छी विंटर जैकेट लग गई है। शूज की ट्राई होने लगी है, आइया थोड़ा सा टाइम डलेंगे बट तो लिस्ट में तो था नहीं शूज, आइया लिखे हुए थे। अच्छा मेरे को तो दिखे नहीं यार, क्योंकि अच्छा मोटी सॉक्स पहन के आई है, पता लग गया। ओके शूज लिए जा रहे हैं, अब लिए जा रही हैं जी बॉटम्स, ये सर्दियों वाले बॉटम्स होते हैं गाइस, इस पे देखो सामने लिखा है ना फ्लीस लाइंड, तो अंदर से गर्म है ना जी ये सर्दी के लिए, ये अंदर ना फ्लीस है तो इसको ठंडी लगेगी, लेगिंग की लेगिंग है। ओके वेरी गुड, तो ये लेते हैं। ये देखो नीचे से वड़ वड़ के निकाल के ला रही है, वड़ वड़ के निकाल के ला रही है, ये हो गई तीन लेगिंग, बहुत है, बहुत तो कुछ भी नहीं होता। चलो हर कलर की एक लेनी है जी, भैया बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। ये देखो कैसे घुसी हुई है अंदर निकाल लेने के लिए, जल्दी दिखो, जहाँ से शुरू हुए थे ना स्टोर की एंट्रेंस से वहीं पे वापस आ गए हैं। क्या हो रहा है अब, ऑडिट हो रहा है, मतलब क्या लेना है क्या नहीं लेना अब हो रहा है जी। नेहा का यस नो में भी ऑडिट होने वाला है, सारी बास्केट यहाँ खाली होगी और तीन पाइल बनेंगे यस नो में भी के, और यस लिए जाएंगे फिर लड़ाई भी होनी है अभी, रोना पिटना। हटो यहाँ से, यस की पाइल, सो यस नो मेबी की पाइल बननी स्टार्ट होगी। ओ चलो मेबी ठीक है, रख दो फिर जाके हो गया। ये जी 70% ऑफ वाली पाइल में ये लगी हुई है, 70% ऑफ में इसको दो ड्रेसेस मिल गई हैं, अभी ट्राई करेंगे देखते हैं आती है। गाइस जहाँ भी जाओ क्लियरेंस आइल जरूर चेक करो, ये ऐसे ना छुपा हुआ होता है कहीं पे साइड पे, तो ढूंढ लो पहले। जो कह रहा था ना सिर्फ 30 मिनट्स लग गए, 35 मिनट्स तो ऑलरेडी हो गए हैं। फिटिंग रूम में आया हूं, आरिया इज ट्राइंग आउट क्लोथ। ये नो, दिस इज लूज, दिस इज अ नो, नो, आई थिंक आई एम गोना वेयर दिस ऑन माय पिक्चर डे। यस, बिलिंग काउंटर फाइनली पहुंच ही गए हैं जी। आरिया आर यू हैप्पी नाउ? जितना मर्जी ले लो कभी नहीं खुश होना। आरिया इज नॉट हैप्पी। तो नेहा जी बाहर आ गई हैं सामान लेके। तो जी बच्चे के साथ आने का ये तो एक पंगा होता ही होता है कि आप जितना मर्जी खर्चा कर लो बच्चे कभी खुश नहीं होते, वही हाल हुआ है, कुछ ना कुछ तो हमेशा रह ही जाता है, और जो रह जाता है उसका गम जो है ना ये चेहरे पे दिख रहा है, एक्सेस नहीं पड़ता, अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगी, कुछ खा लेंगे ना, अभी कुछ खा लेंगे। वो जी सामने H&M है जो नया स्टोर खुला है, और हम आ गए हैं फूड कोर्ट, फूड कोर्ट से देखो भाई क्या खाएगी। तो ये देखो जी मेरी रानी कुछ नहीं खा रही, बट मेरी राजी फ्राइज खा रही है और क्रश पी रही है। अब 3:30 बज गए हैं, अब घर जाके रोटी खाएंगे, सीधा 5 बजे बना के आया हूँ मैं, अब मन भी नहीं है भूख भी नहीं है। सो आइया हमें कही जा रही है कि खा लो, लेकिन हमारा ना अभी मन नहीं है, अगर अभी कुछ खा लिया फिर हम ना तंग होएंगे। नहीं बेटा दैट्स ओके लाडो, आप खाओ, बच्चों को भूख जल्दी लगती है क्योंकि बच्चों का जो टम्मी होती है वो छोटी होती है, हमने तो इतना कुछ खाया हुआ है, हम अपना घर जाके सब्जी रोटी बनी है वही खाएंगे टाइम से। नेहा की बड़ी बात सही है, नेहा कहती है कि अभी हम लालच कर रहे हैं क्योंकि आती है यहाँ बैठ के फूड कोर्ट में हर चीज की, तो लगता है कि ये भी खा लो वो भी खा लो, कुछ तो खा लो है, लेकिन घर जाके ना जब रोटी खाने के वक्त पेट ज्यादा भर जाएगा फिर तंग होएंगे। जस्ट बाबा फरीद जी है ना, बाबा फरीद जी उन्होंने शब्द याद आता है, कहते हैं जब खाना तब खाना चाहिए जब बहुत भूख लगी हो, और अभी बहुत भूख नहीं लगी। कहते हैं उसके बाद क्या होता है कि वो कहते थे रोटी मेरी काट की लाउंड मेरी पोख, लाउंड होती सब्जी, कहते हैं सब जो असली भूख होती है ना भूख में ही कहते स्वाद है, तभी स्वाद ज़्यादा आता है, जिन्ना खाती चोपड़ी कढ़े सहन के दुख, यानी जिन्होंने टाइम के बिना और ज़्यादा भूख नहीं लगी और खा लिया है उनको क्या होएगा रोग। तो खाना पीना डन है, हमारे पीछे था फूड कोर्ट, मिड टाउन कॉमन कहते हैं फूड कोर्ट को, ये नया फूड कोर्ट बना है। और अब कहाँ जा रहे हैं हम?
पॉपकॉर्न लेने हैं। अब पॉपकॉर्न खाने आई है, कहती है मेरे को पॉपकॉर्न खाने हैं। तो नीचे यहाँ तो यहाँ पे ना जी पॉपकॉर्न बड़ा अच्छा मिलता है, वो फ्लेवर क्या बोल क्या नाम होता है यहाँ, हम जो खाते हैं यूजुअली थाई चिली, स्वीट थाई चिली, बड़ा अच्छा फ्लेवर पॉपकॉर्न होता है, बड़े मजेदार। ये होता है जी सामने कर्नल पॉपकॉर्न की दुकान। गाइस देख लो कितने सारे फ्लेवर हैं, केटल कॉर्न, शिकागो, सेशीज, बटर, डबल बटर हम ले रहे हैं। ये वाला जो है ना, जहाँ मेरी उंगली है वो है थाई स्वीट चिली, हम वो खाएंगे क्योंकि आपको पता ही है हमें हम थाई फ्लेवर हमारे दिल के कितने करीब है। और किकिंग केचप है, मीठे वाले भी हैं, कैरमल वाले, वो हमने नहीं खाने। कैन यू इमेजिन कितने तरीकों के पॉपकॉर्न है। मिल गए पॉपकॉर्न, बड़ा अच्छा बैग मिला है इनका तो, आइया को जैसा चाहिए था। तो जी मम्मा चली गई है सामने स्टोर में और हम दोनों देखो फ्लोर पे बैठ गए क्योंकि इन्होंने बेंच नहीं रखा हुआ यहाँ कोई, तो मैंने कहा शर्म क्या है नीचे बैठ जाओ। आइया पॉपकॉर्न खा रही है, खाओ पॉपकॉर्न स्वाद है। तो हमारे पीछे है जी गैप किड्स, गैप से भी बच्चों के आप कपड़े ले सकते हैं और हमें बेंच मिल गया फाइनली, तो हम बेंच पे बैठ गए हैं। आप आइया ने देखा, आइया कहती है फटाफट बेंच मिल गया भागो, मैंने कहा मम्मा को तो पता नहीं है बेंच भी है, कहती है यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मम्मा और मम्मा कैन सी अस, ऐसे कहती है, बड़ी सियानी है जी। अब ये पॉपकॉर्न खा रही है, इसको बहुत स्वाद लगे हैं। यस आई कैन, आई हैव अ हैंकी, हैंकी दे दो, मैं क्या दे दूं अपना हैंकी। गाइस आइया जा रही है टिप टॉप टेलर्स, यहाँ से सूट्स वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं मेंस के, जो ब्लेजर्स एंड कोट्स। आइया जा रही है वहाँ पे अपना सैनिटाइज करने, आ गई भाग के देखो सैनिटाइज करके, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। गाइस सेफोरा की कलेक्शन देख लो, नेहा आ गई है जी। हेलो जी, मैंने ले लिए, मैं एक्चुअली आई जस्ट बाय वेरी सिंपल स्टफ मेकअप में, तो मैंने दो लिपस्टिक बाय करी हैं। बे में जाना शॉपिंग करने, मेरी औकात में नहीं है बे नेहा। जब भी गाइस मैं इस मॉल में आती हूँ ना, मुझे पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मैं इस स्टोर में हडसन बे में काम करती थी, दिस वॉज माई फर्स्ट जॉब। हम जा रहे हैं वापस, डन मिड टाउन मॉल डन, बाय। पार्किंग की पेमेंट करके फिर निकलेंगे बाहर। अब बस टैप एंड गो। तो जी हम घर आ गए हैं, यानी पीछे जो आप हंसी की आवाज सुन रहे हो ना, ये इसकी है। अब ये पूछो ये हंस क्यों रही है, रुक रुक, अब ये हंस क्यों रही है। आपको याद होएगा आज से दो हफ्ते पहले आर्या की एक वॉच थी जो खो गई थी, हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए थे, वो वॉच कहाँ से मिली है। गाड़ी की यार सीट भी अंदर थी, तो हमने ना वैन की सीट, मैंने बड़े दिन से पिछली सीट नीचे करी हुई थी, आज मैंने ऊपर करी है। एंड मेरे को ना ये सीट मैंने जैसे ही ऊपर करी, वहां पे नीचे मेरे को ब्लू कलर का कुछ चमकता हुआ दिखा और वो था ये वॉच। तो इस बच्ची ने गाड़ी में घड़ी उतारी और वो घड़ी सीट पे रखी और वो सीट से खिसक के नीचे गिर गई। पैसे वेस्ट। कपड़े कुपड़े बदल लिए हैं, रोटी का टाइम है, भूख बहुत तेज लग रही है, बहुत तेज, 7 बज गए। तो अब हम रोटी खाएंगे, रोटी में आज हमारी है दाल मखनी। नाम की दाल है, इसमें राजमा ही राजमा। हम दाल मखनी में हमारी राजमा ज्यादा डालते हैं हम, क्योंकि हमें राजमा ज्यादा वाली दाल अच्छी लगती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स, स्टे रॉक्स, स्टे बबल, स्टे मम्मा, स्टे डैडा, स्टे आर्या, बाय बाय जी बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये देख लो जी गाइस, लॉन चेयर्स, पिकनिक का सारा सामान, एंड देन देर आर सम मैट्स, खाने का सामान।